श्रोताओं, वैशाली बरसैया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज के पॉडकास्ट में हम अतिथि लेखक श्री प्रशांत पोल जी का कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग इंजीनियर सिद्धार्थ गौतम का है। कर्नाटक में मैसूर मैंगलोर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तराखंड में कुल्लू मनाली, दक्षिण भारत के मदिकेरी और छत्तीसगढ़ में बस्तर के दशहरे और मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, पुरानी दिल्ली में रामलीला मैदान के दशहरे बहुत चर्चित हैं। जबलपुर का दुर्गोत्सव यह अपने आप में अनूठा है। पूरे देश में रामलीला, दुर्गोत्सव और दशहरा जुलूस का अद्भुत और भव्य संगम शायद अकेले जबलपुर में ही होता है। भारत में 1857 का क्रांति युद्ध समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद अंग्रेजों ने बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन का काम शुरू किया। 1870 में यह रेल लाइन प्रारंभ हुई। जबलपुर इस लाइन का महत्वपूर्ण रेल जंक्शन था। इस काम के सिलसिले में अनेक बंगाली परिवार जबलपुर के स्थानीय निवासी हो गए। 1872 में पहली बार एक नई ऐतिहासिक परंपरा का आरंभ हुआ। ब्रजेश्वर दत्त जी के यहाँ दुर्गा देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई। 3 वर्ष के पश्चात अंबिका चरण बंदोपाध्याय जी जबलपुर में स्थानांतरित होकर आए। ठीक 8 वर्ष के बाद अर्थात 1878 से सुनरहाई में कलमान सोनी जी ने बुंदेली शैली की दुर्गा प्रतिमा स्थापित की। मिन्नी प्रसाद प्रजापति इस मूर्ति के मूर्तिकार थे। उन दिनों गढ़ा यह एक परिपूर्ण और व्यवस्थित बसाहट थी। गढ़ा वासियों ने इस उत्सव को हाथों हाथ लिया। जबलपुर के बाकी मोहल्लों में यह उत्सव प्रारंभ हुआ। देवी की मूर्ति बनाने जबलपुर के शिल्पी कलाकार सामने आए। साथ ही जबलपुर जिस सीपी एंड बरार प्रांत का हिस्सा था, उसकी राजधानी नागपुर से भी मूर्तिकार आने लगे। धीरे धीरे यह दुर्गोत्सव भव्य स्वरूप में मनाया जाने लगा। मूर्तियों के विसर्जन के लिए दशहरा विसर्जन जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसने इतिहास रच दिया। किसी जमाने में जबलपुर का दशहरा चल समारोह, जिसमें दुर्गा प्रतिमाएं भी शामिल होती थी, चल समारोह अत्यंत भव्य होता था। 2400 घंटे चल समारोह जारी रहता था। समारोह में लगभग 125 प्रतिमाएं शामिल होती थी। कालांतर में शहर बड़ा होता गया, उसमें उपनगर जुड़ते गए। फलस्वरूप दशहरा चल समारोह का विकेंद्रीकरण स्वाभाविक था। वर्तमान में मुख्य चल समारोह के साथ ही गढ़ा, सदर, कांचघर, रांझी आदि क्षेत्रों में भव्यता के साथ चल समारोह निकलते हैं। दशहरे का उत्साह और इस उत्सव की उमंग पूरे जबलपुर क्षेत्र में समान रूप से फैली हुई दिखती हैं। जबलपुर एक उत्सव प्रिय शहर है। इस शहर ने उत्तर भारत की रामलीला को अपना लिया। दुर्गोत्सव के प्रारंभ होने से भी पहले अर्थात सन 1865 में मिलोनीगंज में गोविंदगंज रामलीला समिति द्वारा रामलीला प्रारंभ हुई, जो आज तक अविरत चल रही है। मशाल और चिमनी के प्रकाश से मंचित होने वाली रामलीला कैरोसिन से जलने वाले पेट्रोमैक्स के प्रकाश में होने लगी। अब तो रामलीलाओं में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। संस्कारधानी में मंचित होने वाली रामलीलाओं में श्रेष्ठ कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों की सहभागिता के कारण जनता को आकर्षित करती है। रामलीलाओं के पात्रों के चयन में कलाकारों के सात्विक जीवन का ध्यान रखा जाता है। गोविंदगंज रामलीला की लोकप्रियता देखते हुए गढ़ा, सदर, घमापुर, रांझी आदि अनेक स्थानों पर आज भी रामलीला का मंचन उसी भक्ति भाव से होता है। सप्तमी से लेकर दशहरे तक जबलपुर के रौनक की, जबलपुर वासियों के उत्साह की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लगभग 600 से 700 भव्य मूर्तियों की प्रतिस्थापना की जाती है। पहले नागपुर के मूर्तिकारों द्वारा प्रमुख उत्सव समितियों में मूर्ति बनाई जाती थी।
पुराना बस स्टैंड सुपर बाजार की मूर्ति मूलचंद द्वारा निर्मित होती थी तो शंकर घी भंडार, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी और हरदौल मंदिर गंजीपुरा की प्रतिमाएं श्री सुधीर बनाते थे। अनेक वर्षों पहले सब्जी मंडी में रखी गई सिंह के रथ पर सवार सुधीर द्वारा बनाई गई माँ जगत जननी की प्रतिमा आज भी अनेकों के स्मरण में होगी। नागपुर की इस परंपरा को अभी तक जीवित रखा है। शरद इंगले ने दीक्षितपुरा की हितकारिणी शाला में स्थापित प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। कुछ वर्ष पहले तक शरद और वसंत इंगले ये भाई घमापुर, चोर बावली, आज का ब्लूम चौक और सुभाष टाकिच की प्रतिमाएं भी बनाते थे। मूलचंद, सुधीर, शरद इंगले यह सभी कलाकार नागपुर के चितार ओल से आते थे, किंतु जबलपुर के दुर्गोत्सव में जलवा होता था तो कलकत्ता से आने वाले जगदीश विश्वास का बंगाली शैली में बनी अनेक प्रतिमाएं उनके तथा उनके भाई के द्वारा बनाई जाती थी। मूलतः लगभग 55-60 वर्ष पूर्व उन्हें टेलीग्राफ वर्कशॉप की दुर्गा उत्सव समिति ने बुलाया था। दुर्गोत्सव के लगभग एक महीने पहले आकर जगदीश विश्वास और उनकी टीम टेलीग्राफ कॉलोनी के डिस्पेंसरी में मूर्ति बनाना प्रारंभ करती थी। उन दिनों उनकी दो मूर्तियां भव्यता की श्रेणी में आती थी, एक टेलीग्राफ कॉलोनी की और दूसरी शारदा टाकिज गोरखपुर की। लगभग सारी मूर्तियां दुर्गा जी की होती थी। बंगाली पंडालों के लिए गणेश, सरस्वती, कार्तिकेय इत्यादि भी रहते थे। अपवाद एक था, कचियाना की समिति के लिए लेटे हुए शंकर पर खड़ी महाकाली की मूर्ति वे बनाते थे। धीरे धीरे जबलपुर के मूर्तिकार अपनी कला में निखार लाते गए। बच्चे जैसे कलाकार महाराष्ट्र स्कूल के सामने रखी गई प्रतिमा में अपनी कला का आविष्कार दिखाते रहे। कुंदन की प्रतिमाएं चर्चित रहती थी, किंतु अनेक मूर्तिकार परंपरागत शैली में सुंदर प्रतिमाएं बनाते रहे। शीतला माई के पास आज भी बड़ी संख्या में शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। संतोष प्रजापति यह आज के मूर्तिकारों में अग्रणी नाम है। कुछ उत्सव समितियों का जनमानस से श्रद्धा भाव के साथ अटूट स्थान बन गया है। गड़ा फाटक की तथा पड़ाव की महाकाली यह आस्था की अद्भुत प्रतीक बन गई हैं। सुनरहाई तथा नुनहाई की पारंपरिक बुंदेली शैली की प्रतिमाएं यह जबलपुर की शान है, जबलपुर का गौरव है। सुनरहाई की देवी नगर सेठानी कहलाती हैं। सुनरहाई की ही आगे एक भव्य देवी प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें किसी पौराणिक कथा की शानदार प्रस्तुति होती है। मोहन शशि जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी लेखनी से उतरी यह कथा भक्तों का मन मोह लेती है। उपनगरों की देवी प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। मंडला रोड पर बिलहरी से स्थापित दुर्गा प्रतिमा यह अनेक वर्षों से भव्यता और झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। रांझी, गढ़ा और सदर की भी अनेक प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र रहती हैं। सप्तमी से लेकर तो विजयादशमी यानी दशहरे तक सारा जबलपुर मानो सड़कों पर होता है। शहर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता रहता है। आसपास के गांव वाले भी इस दुर्गोत्सव और दशहरे का आनंद लेने शहर आते हैं। दशहरे के एक दिन पहले अर्थात नवमी के दिन पंजाबी दशहरा संपन्न होता है। पहले राइट टाउन स्टेडियम में जब यह होता था तो इसकी भव्यता का वर्णन करना मुश्किल होता है। बच्चों के लिए तो यह विशेष आकर्षण का केंद्र होता था। रक्षा संस्थानों, रेलवे जंक्शन, विदर्भ से कनेक्टिविटी के कारण जबलपुर की संस्कृति में विविधताएं हैं। दक्षिण भारत से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, आज़ादी के पूर्व तथा आज़ादी के बाद के बंगाल, भोसले राजवंश के कारण महाराष्ट्र और गुजरात से व्यापार तथा रोजगार पर्यटन के लिए लोग अपने साथ अपनी अपनी संस्कृति लेकर आए, जो स्थानीय संस्कृति के साथ एक नए स्वरूप में पिछले 200 वर्षों में विकसित हुई है। सभी संस्कृतियों से जुड़े समुदाय बड़े उत्साह, उमंग, ऊर्जा और गर्व से दुर्गोत्सव और दशहरा मनाते हैं।
जबलपुर का दशहरा मिनी भारत का दशहरा कहा जाता है। यह सभी का उत्सव है, इसलिए एक और जहां गरबा चलता रहता है तो दूसरी ओर सिटी बंगाली क्लब और डीबी बंगाली क्लब में बंगाली नाटकों का मंचन चलता है। छोटा फुआरा, गड़ा, घमापुर, सदर, गोहलपुर, रांझी आदि स्थानों पर रामलीला का मंचन होता रहता है। तो दत्त मंदिर में मराठी समाज अष्टमी का खेल खेलता है। सैकड़ों देवी पंडालों में देवी पूजा, सप्तशती का पाठ, होम हवन होता रहता है और जगह जगह सड़कों पर भंडारा चलता रहता है। ऐसे और रोचक पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।